हेलो फ्रेंड, मैं नजमुल बारी टेक साइट का आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के बारे में। जी हाँ, आज के टाइम में सभी बच्चा बच्चा जानता है कि पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जो कि प्रोफेशनल और टेक्निकल होते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, डिग्री से बेहतर होते जा रहे हैं। प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, हर जगह इसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती से बढ़ती जा रही है। तो जी हाँ, मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पॉलिटेक्निक होता क्या है। पॉलिटेक्निक का मीन्स होता है बहु टेक्निक्स, यानी कि आपको सफल होने की या आपको डिपेंडेंट बनाने की बहुत सारी टेक्निक्स उसमें सिखाई जाती हैं। इसलिए इसमें बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो ग्रुप ए से लेकर ग्रुप जे के तक हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो में से बात करने वाला हूँ इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो है उसके बारे में, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप के और ग्रुप आई। तो मैं बता दूं, जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है ग्रुप ए, तो उसमें बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। अगर उसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन, अगर आप हाई स्कूल अपेयरिंग है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप हाई स्कूल पास आउट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी हाई स्कूल अपेयरिंग में हैं, अभी फॉर्म रिसेंटली आए हुए हैं, तो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर अब मैं बात करूँ कि ट्रेड्स के बारे में, जी हाँ, जो ए ग्रुप में इंजीनियरिंग की ट्रेड्स होती हैं, तो बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। मैं मैकेनिकल, मैकेनिकल में भी चार ट्रेड्स होती हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, कैड। और बात की जाए अगर इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में भी कोर दो ट्रेड्स होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दो ट्रेड्स होती हैं, और सिविल में भी सिविल की दो ट्रेड्स होती हैं। अगर बात किया जाए कंप्यूटर साइंस, आईटी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा के थ्रू इंजीनियरिंग के, जो कि 3 साल के होते हैं। अगर आप हाई स्कूल अपेयरिंग या पास आउट हैं, तो जब आप अप्लाई करते हैं और एंट्रेंस देने के बाद अगर आपकी जो आपकी रैंक जनरेट होगी, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, तो आपको जो डिप्लोमा करना होगा वो 3 ईयर का होगा। अगर आप इंटर पास आउट हैं मैथ से, मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री से, और या फिर आपने आईटीआई अपनी कंप्लीट कर रखी है, तो भी आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं, इस ग्रुप, ये जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स है। लेकिन तब इस ग्रुप का नाम होता है ग्रुप के। जी हाँ, अगर आप इंटर अपेयरिंग या इंटर पास आउट हैं, या आईटीआई अपेयरिंग या आईटीआई पास हो, तब भी आप इस इंजीनियरिंग डिप्लोमा को कर सकते हैं। तब आपका जो ग्रुप होगा, आपको ग्रुप के से इस फॉर्म को भरना होगा। उससे फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप ग्रुप के से फॉर्म भरते हैं, तो आपको जो डिप्लोमा का जो टाइम पीरियड होता है, वो सिर्फ 2 साल का ही रहेगा। तो आप 2 साल में अपना डिप्लोमा क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट के लिए जो 12th अपेयरिंग है या पास आउट है या आईटीआई कर चुके हैं। तो आईटीआई वाले भी ग्रुप के में अपना फॉर्म फिल करें और एग्ज़ाम देके एडमिशन ले लें। तो ये बात हो गई ग्रुप ए और ग्रुप के की। जी हाँ, ये दोनों डिप्लोमा कोर्स सेम है, बट ग्रुप ए से आप 3 ईयर का होता है और ग्रुप के से 2 ईयर्स का होता है। अब अगर मैं बात करूँ कि इनकी अपॉर्चुनिटी की, कि इनके क्या अवसर हैं आज के डेट में, जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पूरे इंडिया में स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जिसके तहत डेवलपमेंट के वर्क हो रहे हैं। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रोड्स, पुल, बिल्डिंग, तो बहुत सब मैन्युफैक्चर ही हो रहा है। और अगर बात करें मैकेनिकल के क्षेत्र में, तो बहुत सारी इंडस्ट्री नई नई लग रही है, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है डिप्लोमा वालों की एज़ कम्पेयर टू बीटेक। जी हाँ, बीटेक वालों को इतनी ज़्यादा जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन डिप्लोमा वालों को बगैर किसी रेफरेंस से, आपके खुद के एफर्ट से जॉब मिल सकती है। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि सकते हैं, तो आपको पहले ये पता लगाना होगा कि आपको किस स्टेट से इंजीनियरिंग करनी है, या आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया मैकेनिकल और आपका इंटरेस्ट सिविल में है, आप सिविल में जाना चाहते हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। पहले आपको अपने आप से मंथन करना होगा, या अपने लोगों से थोड़ा गाइडेंस लेनी होगी कि आपको किस स्टेट से करनी चाहिए, या किस स्टेट में रोज़गार ज़्यादा अच्छा है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है, तो उस स्टेट के हिसाब से आपको सिलेक्शन लेना होगा। दूसरी बात, अगर जो लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चाहते हैं, तो उनको तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन हुए हैं, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। अगर आप उसकी रैंक अच्छी आएगी, तभी आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलेगा और आपकी मनचाही ट्रेड मिल पाएगी। वरना गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपको मनचाही ट्रेड नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको पहले अपने आप से सोचना है, फ्री इंटरमेंट होके, कि आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो किस फील्ड में या किस स्टेट से इंटरेस्ट
किस स्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस स्टेट के में आपको कितने मैक्सिमम मार्क्स लाने चाहिए। क्योंकि अगर आप बात की जाए मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की, तो इन तीन ट्रेड की काफ़ी ज़्यादा फाइट रहती है, बच्चों का क्रेज़ रहता है, इसी में ही वो अपना डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो इसकी अगर आपको इन तीनों ट्रेड में ब्रांच में चाहिए अपना डिप्लोमा करना, तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी होगी। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वहाँ पर प्रॉब्लम होती है पैसे की। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल डिप्लोमा के बारे में, डिप्लोमा में बहुत से कोर्स होते हैं, बहुत से ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है ई ग्रुप, ई ग्रुप होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रुप है और लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। तो वो होता यह है कि जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा मैथ, सॉरी 12th अपना मैथ से पास किया है या बायो से पास किया है, वो दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप ई। या मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रुप ई होता है, उसका भी एंट्रेंस होता है। तो जो डिप्लोमा, सॉरी, जो उन्होंने 12th अपना कर रखा है मैथ से या फिर बायो से, वो दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेस होता है डिप्लोमा का, वो 2 साल का होता है। और इसकी अपॉर्चुनिटी जो है गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा है ही है, साथ साथ प्राइवेट में तो बहुत ही ज़्यादा है। आपको फ़ौरन ही करते हुए अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही आसपास आपको 15 से 16 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। और साथ ही साथ जब आपको डिप्लोमा मिलेगा, जो भी आपको मार्शल डिप्लोमा मिलता है, उस डिप्लोमा पे आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, और या फिर आप अपना डिप्लोमा को किसी दूसरे को देकर, जो कि लीगल नहीं है बट फिर भी दूसरे को देकर आप उसका मेडिकल स्टोर खुलवा सकते हैं, जिससे कि आपको वो 60 से 65 हज़ार रुपये साल का वो देगा। यानी कि आपके डिप्लोमा पे भी आपको पैसा मिलेगा और आप जो जॉब कर रहे हैं उस पर आपको अलग से मिलेगा। तो दो फायदे हैं। जो भी कैंडिडेट मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं हैं कि वो MBBS या BHMS BUMS कर पाएँ, तो वो डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं और प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं मेडिकल की, बायोकेमिकल की, वहाँ पर भी जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ फिर से मैं इंजीनियरिंग पर लौटता हूँ, तो इंजीनियरिंग का जो एक और कोर्स है वो है आई ग्रुप। आई ग्रुप से होती है एरोनॉटिकल की इंजीनियरिंग। जी हाँ, जो एरोप्लेन बनाए जाते हैं उसकी जो मेंटेनेंस होती है उसकी इंजीनियरिंग होती है, उसका भी अलग एग्ज़ाम होता है। उसके लिए आपको आई ग्रुप से फॉर्म भरना होगा, फिर उसका होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है इंटर का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सिलेबस। अगर आपने पास किया या अपेयरिंग है 12th अपेयरिंग है और आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से अपना 12th कर रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है एग्ज़ाम, क्योंकि सीट बहुत कम है गवर्नमेंट में, सिर्फ 60 सीट है। जी हाँ, यूपी में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है, यहाँ पर ओनली 60 सीट है। तो काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं एरोनॉटिक्स में या एरोप्लेन इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए भी एक अवसर है। तो अगर आपको डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई और नया वीडियो चाहिए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने भी डिप्लोमा कर रखा है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट प्राइवेट, और मैं भी जॉब कर रहा हूँ। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा अच्छा सपोर्ट दूंगा, रियल में जो मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, मैं कुछ भी आपको झूठ नहीं बताऊंगा, तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर ना जाएँ। धन्यवाद।